हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे एमसीओ 15 के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस वाले सेमेस्टर में ऑलरेडी ये असाइनमेंट में भी है, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ। साथ ही साथ अगर किसी को असाइनमेंट्स चाहिए, फिर नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, आपके एम कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बी कॉम के, आपको सारे के सारे नोट्स एंड असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। अगर आप नोट्स लेते हैं तो असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, और अगर आप अलग अलग लेते हैं तो फिर प्राइसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पड़ती हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप असाइनमेंट लेते हैं बाद में नोट्स लेते हैं तो उसके प्राइसेस को फिर वहां पर एडजस्ट भी कर दिया जाता है। सो इट्स ऑल अप टू यू। इफ यू नीड योर असाइनमेंट्स और यू नो नोट्स, यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एट माई नंबर विच इज 8101065300। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, जो की है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फॉरेन कैपिटल के टूवर्ड्स, वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ए नंबर में क्वेश्चन वन का ए नंबर ये कहता है। बी नंबर है डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है ना। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए, ताकि आपकी स्टडी अच्छे तरीके से होती रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यस, सब्सक्राइब करके मैं दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चल पाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल के अकॉर्डिंग, फॉरेन कैपिटल के टुवर्ड्स हमारी गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए फिर देखते हैं। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। देखो, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल, वो डिपेंड करती है उस कंट्री के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर। कोई कंट्री अगर लिबरलाइज्ड है तो वहां की पॉलिसी भी लिबरलाइज्ड होगी, यू नो, सारे फॉरेन कैपिटल को एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। बट कोई कंट्री अगर यू नो थोड़ी सी सोशलिस्टिक है, जो सिर्फ अपने कंट्री के बारे में सोचती है, ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री के बारे में सोचती है, वो फॉरेन जो कैपिटल होता है उसको वो बार करने की कोशिश करते हैं, उसको बार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री कैसी है, उसका जो अप्रोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। कंट्री का नहीं, वहां के गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ही चला रही होती है, राइट। सो हाउएवर इन जनरल देयर आर थ्री मेन पॉलिसी ऑप्शंस। देखो, कोई भी कंट्री जो है तीन तरह के पॉलिसी जो है वो यू नो एक तरीके से चला सकती है अपनी कंट्री में। सबसे पहला हो गया लिबरलाइजेशन, जहां पे हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, दोनों बाहें फैला करके बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ हमारे पास, क्योंकि पैसे आएंगे तो काम होगा, काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पैसे आएंगे, खर्च होगा, इकोनॉमी बड़ा होगा। तो लिबरलाइजेशन का फायदा भी है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो लोकल दुकानदार होते हैं, जो लोकल काम करने वाले लोग होते हैं, उनको उससे नुकसान पहुंचता है। तो हर एक कंट्री जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकती। हमारे इंडिया में हालांकि एलपीजी लागू है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तीन पॉलिसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो ये चीज जो है हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। नाउ सम गवर्नमेंट चूज टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय लिबरलाइजिंग देयर पॉलिसीज टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन कैपिटल को एक तरीके से यू नो अपनी तरफ लाने के लिए जो कंट्री की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरलाइज रखा जाए, लिबरल रखा जाए, आने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप सपोज कोई आपके आपको पैसे देना चाह रहा है, लेकिन आप उसे 50 जगह साइन करवा रहे हो, तो वो तो नहीं देना चाहेगा ना, उसको तो ये प्रोसेस बहुत हेक्टिक लगेगा। हाँ, लेकिन वो पैसे देना चाह रहा है आपको, एक दो साइन में काम हो जाएगा, तो बोलेगा चलो पैसे मेरे इन्वेस्ट हो जा रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो आप जैसी आपकी पॉलिसी होगी, अगर लिबरलाइज पॉलिसी होगी, तो फॉरेन कैपिटल के लिए वो अच्छा होता है, वो लोग आना चाहते हैं। दिस में इन्वॉल्व रिड्यूसिंग बैरियर्स टू एंट्री। अब देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आसान की जा सकती है, ताकि फॉरेन कैपिटल इंडिया में आसानी से आ सके या फिर किसी भी कंट्री में आसानी से जा सके। तो जो देखो यहाँ पे बोला गया है बैरियर्स टू एंट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री में जब कोई कंपनी एंटर करना चाहती है तो उसको वहां के रूल्स वगैरह को फॉलो करना होते हैं। तो अगर रूल्स वगैरह थोड़े आसान हो जाएंगे तो उनके लिए आसान होगा ना किसी भी कंट्री में एंटर कर पाना। तो आपको रूल्स वगैरह यहाँ पे थोड़े से यू नो आसान करने हैं, टैक्स प्रोविजंस को थोड़े बहुत कम करने हैं। अगर आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो वो नहीं आ पाएगी। जैसे आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा कि टेस्ला इंडिया में जो है प्लांट लगाना चाह रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा दे दे रही है। 45 लाख की गाड़ी आपको 90 लाख में खरीदनी पड़ेगी, 45 लाख का सिर्फ उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, डबल प्राइस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो लोग जो है इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लांट जो है या फिर डायरेक्टली सेल जो है वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी दैट वी हैव।
उससे एक नुकसान ये होगा कि अगर वो टेस्ला आएगी तो फिर हमारे इंडिया में जो टाटा है या फिर जो अलग अलग कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है, फिर उनको नुकसान होने लगेगा, राइट? सो इट इज अ मेजर ऑफ यू नो सेफ गार्ड्स आर इकोनॉमी, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना? तो ये फंडा है, आगे देखते हैं फिर. बेरियर्स टू एंट्री में देखो, ये टैक्स वाला हो गया, अदर बेनिफिट्स हो गया, स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेस हो गया, यू नो ये एक तरह की चीज प्रोसेस होता है जिसको आप एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हो, सीधा करने की कोशिश करते हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा गोल पचोला आप नहीं करते, सिंपल प्रोसेस रखने की कोशिश करते हो जिससे फॉरेन कैपिटल जो है आने में सुविधा होती है, ठीक है ना? द आइडिया बिहाइंड लिबरलाइजेशन इज दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन ब्रिंग मच नीडेड कैपिटल एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी इनटू द कंट्री. कोई कंपनी अगर आपकी कंट्री में आ रही है तो डेफिनेटली वो वहां की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के आएगी, एक्सपर्टीज लेकर के आएगी, आपका काम जो है वो और भी आसानी से होने लगेगा. तो लिबरलाइजेशन के भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सी कंट्रीज जो होती हैं इसको फॉलो करती हैं, ठीक है? अगला है रेगुलेशन. सो अदर गवर्नमेंट्स में चूज टू रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और नेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया, लिबरलाइजेशन में भी बहुत हद तक ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली लिबरलाइज होता है भाई, जो मर्जी सो करो, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. बट रेगुलेशन की जब बात की जाएगी, रेगुलेटेड पॉलिसी की जब बात की जाएगी, रेगुलेटेड यू नो एनवायरनमेंट की बात की जाएगी, तो उस केस में जो रेगुलेशन है वो थोड़े से सख्त होते हैं. आप बोल सकते हो कोई भी कंट्री आसानी से घुस गई, किसी को भी एक्वायर कर लिया, किसी को भी खरीद लिया, यू नो ऐसा नहीं चलेगा. वहां पे उनको जो है बहुत सारे रूल्स वगैरह को फॉलो करने होंगे. तो ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी के बारे में आप बोल सकते हो. तो रेगुलेशन में क्या हो जाएगा, तो बहुत सारी गवर्नमेंट होती है जो कि रेगुलेट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, किस किस तरीके से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को लग रहे हैं, इससे भारत का कोई नुकसान तो नहीं, ये सारी चीजें जो है चेक की जाती हैं. दिस कैन इन्वॉल्व इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ओनरशिप और रिक्वायरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रूव्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है. तो गवर्नमेंट एक तरीके से इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकती है. The aim of regulation is to ensure that foreign investment does not harm the domestic economy or pose a threat to the national security. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना, तो जो regulation policy होती है वहाँ पे कोई भी government ऐसा नहीं चाहती कि उनको कोई problem हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपने interest का भी ध्यान रखती है. वो ऐसा नहीं होने देगी कि कोई भी आपका foreign investment लेकर के आए और उसके वजह से जो है हमारी जो country, हमारे अपने country की जो जो domestic economy है वो बर्बाद हो जाए या वो हमारे national security के लिए threat बने, है ना? कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहती है. तो ये एक पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन. तो रिस्ट्रिक्शन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा पैसे जो है नहीं घुसने वाले. जैसे इंडिया में 1991 के पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, पहले एफडीआई बहुत ज्यादा नहीं था, आता था पर बहुत कम था. बट 1991 में जब मनमोहन जी हमारे यू नो प्रधानमंत्री जो अभी रह चुके हैं, उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एलपीजी का स्टेप लिया था. देवेगौड़ा आई थिंक उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे, और उन्होंने जो है इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर ऑल द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सारे लोग जो है इंडिया में आकर के पैसे लगा सकते थे. रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो पहली बार था जब इंडिया ने इकोनॉमी को खोला, ठीक है ना? उसको कहते हैं लाइसेंस राज. लाइसेंस राज को एक तरीके से बंद कर दिया गया 1991 में. तो ये रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है. तो रिस्ट्रिक्शंस में वही होता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपके लिए किसी भी कंट्री में एंटर कर पाना इतना आसान नहीं होता है. ओके, Now, some government may choose to restrict or prohibit foreign investment altogether. देख रहे हो ना कि government जो है completely restrict कर दे रही है, prohibit कर दे रही है कि आप investment कर ही नहीं सकते यहाँ पे. Okay, this can be motivated by concerns about economic dependence, national altogether. This can be motivated by concerns about economic. अच्छा ये तो मैंने बोल दिया यार, क्या एक ही चीज को दोबारा पढ़ रहा हूँ. However, this approach may limit access to capital and expertise. That could benefit the economy. तो इसके वजह से नुकसान भी ये होता है कि जो बाहर से पैसे आ रहे होते हैं, देखो पैसों के साथ टेक्नोलॉजी भी लानी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसे से काम नहीं होता. काम को जल्दी करने के लिए आपको नई नई तरीके तकनीकें जो है अपनानी पड़ती हैं. तो जब कोई कंट्री पैसे लगाती है, कोई कंपनी जब किसी कंट्री में पैसे लगाती है, तो वो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती है. तो जब वो लेकर के आती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का फायदा होता है, उनका फायदा जो है हमारी कंट्री को भी होगा या फिर किसी भी कंट्री को होगा जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको भी होगा डेफिनेटली. तो उससे जो है ना जो फायदा होने वाला होता है वो नहीं हो पाता जब हम रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाने लगते हैं तो, राइट? एंड मे डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम कंसिडरिंग द इकोनॉमी एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, है ना? तो कोई भी कंट्री जो कोई भी कंपनी जो है इस कंट्री को या किसी भी कंट्री को जहाँ पे इस तरह की रेगुलेशन होंगी, रिस्ट्रिक्शन होंगी, वो उस कंट्री को अपना सेफ हेवन नहीं समझेंगे, वो वहां पे नहीं जाना चाहेंगे. दे विल चूज सम अदर कंट्री वेयर द सिचुएशन इज यू नो मच लिबरलाइज्ड, बोल सकते हो आप, ठीक है? सो इट इज वर्थ नोटिंग दैट गवर्नमेंट पॉलिसी
टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल कैन चेंज ओवर टाइम. गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो फॉरेन कैपिटल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है उनके टूवर्ड्स. ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह रहती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1991 के पहले सिचुएशन कुछ और था, अभी कुछ और है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट में इनिशियली परस्यू अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट लेटर डिसाइड टू इम्पोज मोर रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन इफ इट परसीव्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर नॉट आउटवेइंग द कॉस्ट. है ना, तो कोई कंट्री सपोज बोल रही है कि भाई हम तो बहुत लिबरलाइज्ड हैं, हमारे कंट्री में पैसे लगाओ दोगुने चौगुने आपको जो है फायदे होंगे. फिर जब कोई कंट्री किसी कंट्री में घुस जाती है, पैसे लगा देती है, तो उसके पास जब उस कंट्री को ये फील होता है कि भाई इसके वजह से तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारा नुकसान पहुंच रहा है, तो वहां पे फिर कंट्री क्या करती है, वहां पे वो पर्टिकुलर कंट्री जहां पे आप एंटर कर रहे होते हो ना, वो फिर वहां पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा देती है. तो फिर आपके लिए वहां से आउट करना भी मुश्किल हो जाता है. मतलब आप धोबी के कुत्ते हो जाते हो ना, घर के ना घाट के. ठीक है ना, ऐसा हालत हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में आपको लिखना है ये सारे पॉइंट्स. मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा. राइट, तो ये पहला पॉइंट है. ओके, ओवरऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल इज कॉम्प्लेक्स. गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इकोनॉमी एज वेल. जो पॉलिटिकल चीजें हैं, जो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है, वो भी दिमाग में रख करके जो है कंट्रीज जो है उनको एंटर करना चाहिए किसी भी कंट्री में, ताकि वो एडजस्ट कर सके वहां पे. राइट, तो ये पहला पॉइंट था हमारा, एक्सप्लेन द ब्रीफ गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड ट्रेड के ग्रोथ को. ठीक है, चलो फिर ये रहा हमारा पॉइंट. सो द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ टाइम. हियर आर सम ऑफ द की फैक्टर्स. सबसे पहला जो फैक्टर है वो है technological advances in transportation and communication technology have made it easier and cheaper to transport goods across borders and to communicate with the potential trading partners. ठीक है ना, तो देखो technological advancement जब भी ज्यादा होगी किसी भी country में, तो उनको कोई भी काम करने में बहुत आसानी होगा. आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना है, आपको आप उसको सस्ता कर सकते हो. आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने मेल्स को, अपने चीजों को बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जा सकते हो. सो इसका एक फायदा जो है वो कंट्रीज को, गवर्नमेंट्स को होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ चीजें हैं. ये टेक्नोलॉजी का एडवांसेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड ट्रेड के ग्रोथ को. तो ये पॉइंट तो सबसे पहला आपने लिखना ही है. दूसरा है ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी जो है इंडिया में रह करके किसी और कंट्री में जाकर के अपने सामान को बेच रही है. ग्लोबल हो गया भाई आपका सामान. मेरा कोई, मैंने जैसे कॉमर्स की पाठशाला मैंने स्टार्ट करा, यहाँ पे तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा है, किसी और कंट्री में है नहीं, पर जहाँ पे भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे वीडियोस देखेंगे ना, है ना. तो मेरा चैनल क्या हो गया, ग्लोबल हो गया. वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में देख रहे हैं लोग, बाहर भी देख रहे हैं. राइट, सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन. या फिर मैं प्रोडक्ट्स की बात अगर करूँ तो प्रोडक्ट्स में भी वही चीज हो गया. मैं तो सिर्फ अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जनरली होता यही है कि जो प्रोडक्ट होता है किसी भी कंट्री का वो ग्लोबल हो जाता है. जैसे आप एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, एप्पल कोई अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं है, अमेरिकन प्रोडक्ट है बट वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट भी हो चुका है. अभी के टाइम पे हर एक कंट्री में जो है लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं, एप्पल का फोन, नॉट एप्पल खाने वाला. ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन. सो द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टनेस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी हैज क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड हैज फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ सप्लाई चेन्स दैट स्पैन मल्टीपल कंट्रीज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड जो है सब कुछ जो इंटरकनेक्टेड है, तो इसका बेनिफिट जो है सारी कंट्रीज को हुआ है. सप्लाई चेन और स्ट्रांग हुआ है, मल्टीपल कंट्रीज को जो है इसका बेनिफिट हुआ है. थर्ड पॉइंट है ट्रेड लिबरलाइजेशन. तो आपकी रूल्स है, जो पॉलिसीज है, अगर वो लिबरलाइज होंगी तो वो वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा. राइट ना, सो लिबरलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है. सो द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स सच एज ट्रेड टैरिफ्स, quotas, quotas and other restrictions has made it easier for the businesses to engage in cross-border trade and has encouraged greater competition and efficiency. है ना, so trade liberalization के क्या हुआ है कि आपने क्या किया, जो barriers थे जैसे कि taxes वगैरह हो गए, quota हो गया कि इससे ज्यादा सामान नहीं आएगा, उसने आपको हटा दिया. टैरिफ्स आपने हटा दिए, मतलब टैक्सेस आपने हटा दिए. बिजनेसेस का जो ट्रांजैक्शन था वो क्रॉस बॉर्डर बहुत ही आसान तरीके से होने लगा. तो ये ट्रेड लिबरेशन जब आप करोगे तो वर्ल्ड ट्रेड जो है उसकी तो ग्रोथ होनी ही है. तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना है और एग्जाम में फिर लिखना है. फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ. ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपकी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है तो इसका बेनिफिट आपके वर्ल्ड ट्रेड में होता है. आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपका सप्लाई बढ़ जाता है, तो दोनों केस में आपको फायदे जो है वो होते हैं. Excuse me.
सॉरी ओके देन स्टार्ट करते हैं. सो एज इकोनॉमीज ग्रो देयर इज ऑफन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ जाता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे कि अपनी आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है. अब वो डिमांड ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डोमेस्टिकली बढ़ता है, वो इंटरनेशनली भी बढ़ता है, ठीक है ना. सो दिस कैन लीड टू द ग्रेटर ट्रेड वॉल्यूम्स एज कंट्री सीक टू मीट द डिमांड, है ना. तो यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम्स होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं ताकि आपकी डिमांड जो है वो पूरी हो सके. इकोनॉमी का ग्रो करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है और वो तभी पॉसिबल हो पाता है. यार एक तरीके से आप बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है तो ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड ज्यादा बढ़ता है तो ग्रोथ होती है, ठीक है ना. नाउ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, तो किसी कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो कंट्री जो है वर्ल्ड ट्रेड में उसका ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होगा, है ना. सो कंट्रीज विद अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज मे बी एबल टू एक्सपोर्ट दीज रिसोर्सेज टू अदर कंट्रीज. तो ऐसी कंट्रीज जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है उनको वो कंट्रीज सप्लाई करती हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं, और जो सप्लाई करती हैं उसकी वजह से ट्रेड और को और ज्यादा फायदा पहुंचता है और वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ता है, जनरेटिंग इनकम एंड स्टिमुलेटिंग ट्रेड. ओके, सिक्स पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई थिंक, और जब हम किसी भी नए स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए. अगर आप एक शराबी हो और आप दिल्ली में रहते हो और आप बिहार जा रहे हो तो भाई बच के, क्योंकि बिहार जाओगे तो फिर वहां पे आपको शराबबंदी है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना. तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अब तो ये मैंने बहुत ही बेसिक से एग्जांपल दे दिया, इंडिया का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलग है, यूएस की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलग है, वहां जो चीजें एक्सेप्टेबल है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो चीजें एक्सेप्टेबल है वो वहां पे नहीं है. तो पॉलिटिक्स जो है, जो वहाँ के लोग हैं, जो उनका सोचने का तरीका है, नजरिया है, वो आप चेंज नहीं कर सकते. तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो किसी भी कंट्री में बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी तो आप कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी जो है किसी कंट्री में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है ना. तो ये एक फंड है. So countries with stable political environment are often more attractive to foreign investors and trading partners as they provide a more predictable and secure operating environment. जैसे कि हमारे इंडिया में भी क्या है कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, तकरीबन 343 लोग जो है आपके लोकसभा में, विधानसभा में मेजोरिटी हो गई है, तो कोई भी बिल वगैरह पास करना रहा वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. बट अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है, किसी भी बात पे झगड़ा हो जाता है, पॉलिसी जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं हो पाती है दोनों सभाओं से, तो उस केस में दिक्कत होने लगती है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आती है जब गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी की होती है, ठीक है ना. सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि वर्ल्ड ट्रेड को ग्रोथ में एक तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज रेट. तो ये भी अच्छा होना बहुत जरूरी है. फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट कैन अफेक्ट द कॉम्पिटिवनेस ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, है ना. तो किसी भी कंट्री की जो इफेक्टिवनेस है, जो कॉम्पिटिवनेस है, उसको वो हैम्पर करता है, एक तरीके से इफेक्ट करता है. क्या? तो जो एक्सचेंज रेट होता है वो, क्योंकि उससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर काफी असर पहुंचता है. एंड कैन इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड फ्लोज, और इसकी वजह से ट्रेड फ्लो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ही किसी भी कंपनी को वो मानता उसके अंदर आता है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे लिए फेवरेबल है, सो लेट्स गेट इनटू दिस कंट्री एंड लेट्स मेक आवर कंपनी ह्यूज, ऐसा सोच करके वो लोग आते हैं. तो वो यही तभी सोच करके आ सकते हैं जब वो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करे, उसकी जो पॉलिसीज है वो आपके प्रोडक्ट के खिलाफ ना हो. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैरुआना हमारे इंडिया में बैंड है, तो मैरुआना से रिलेटेड अगर कोई कंपनी हमारे इंडिया में काम करने के लिए आएगी तो वो काम नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे वो बैन है, राइट. बट आप यूएस में चले जाओ, मेक्सिको में चले जाओ, कैनेडा में चले जाओ, वहाँ भी वो बैन नहीं है, तो वहाँ पे हर एक चीज में उसका इस्तेमाल हो रहा है, लोग फूंक भी रहे हैं, लोग दवाइयां भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है नहीं. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री के, किसी भी एक तरीके से किसी भी कंपनी के ग्रो करने के पीछे. देखो लिखा भी है गवर्नमेंट पॉलिसी सच एज सब्सिडी, आप सब्सिडी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ का प्रमोशन प्रोग्राम किस तरीके से, आपको सब्सिडी वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं. क्योंकि अगर ये चीजें फेवरेबल होंगी तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाएगा, ट्रेड ग्रो कर पाएगा, तो बेनिफिट ओवरऑल होगा ही. ओवरऑल द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है ना. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ होता है वर्ल्ड ट्रेड का वो बहुत सारी चीजों के साथ इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स के साथ वो इन्फ्लुएंस होता है. एज द ग्लोबल इकोनॉमी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, न्यू फैक्टर्स में इमर्ज दैट शेप द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. और जैसे जैसे इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी नए फैक्टर्स जानने को मिले जो कि एक तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है या फिर एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को वो शेप करेगी इन फ्यूचर, ठीक है.
सो दिस इज द टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस. आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा. दोस्तों के साथ शेयर कर लो यार इसको फटाफट. नोट्स लेना है तो कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लो मेरे फोन नंबर पे जो कि 8101 0653. ओके सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.